नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नए कारखानों के पंजीकरण को लेकर। बिहार में रोजगार शुरू करने वाले कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। यह प्रदेश में नया कारखाना खोलने के लिए पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग ने नया प्रस्ताव बनाया है। इसके लिए अब संचालक को कारखाना खोलने के 60 दिनों के अंदर पंजीकरण करवा लेना होगा। तय समय पर पंजीकरण नहीं करवाने पर संचालकों को विलंब शुल्क की राशि भुगतान करनी होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की इस स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को निवेश करने के लिए विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया है कि कारखाना लगाने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि कारखाना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उनको विभाग को बतानी होगी। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि संचालक को 60 दिनों के अंदर पंजीकरण करवाना होगा, अन्यथा विलंब शुल्क देने होंगे। साथ ही साथ विभाग ने विलंब शुल्क के लिए अलग अलग राशि निर्धारित कर दी है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या और दिन के हिसाब से विलंब शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में यह भी कहा गया कि अगर किसी कंपनी में 10 से कम स्टाफ काम कर रहे हैं तो ऐसे उद्योग को पंजीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विलंब शुल्क के रूप में लगने वाली राशि को लेकर जो बात कही गई है, उसमें यह कहा गया कि 10 से ज़्यादा और 49 कामगार से कम होने वाले फैक्ट्री संचालक अगर निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें 90 दिनों तक उनके 10,000 रुपये उन्हें शुल्क के रूप में लगेंगे, 180 दिनों तक 25,000 रुपये, जबकि 6 महीने से ज़्यादा समय होने पर 1,00,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देना पड़ सकता है। 50 से ज़्यादा और 100 से कम कामगारों वाले काम कारखाना संचालकों में 90 दिनों तक 10,000, 180 दिनों पर 25,000, जबकि 6 महीने से ज़्यादा होने पर 2,00,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में उन्हें जो है भुगतान करना होगा। 1,001 से अधिक पर 5,000 से कम श्रमिक वाले 90 दिनों तक में 1,00,000 रुपये, 180 दिनों तक 2,50,000, तो 180 दिनों के अधिक होने पर जो है 1,00,000 विलंब शुल्क उनसे जो है लिया जाएगा, जबकि 5,001 से अधिक श्रमिक होने पर अगर किसी ने 90 दिनों तक निबंधन नहीं करवाया तो उन्हें 1,20,000, जबकि 180 दिनों पर 3,00,000 और उससे अधिक होने पर 1,20,000 विलंब शुल्क देना होगा। इस विलंब शुल्क को लेकर विभाग ने अपील भी की है। इसमें उन्होंने अलग अलग प्रावधान बनाया है, जिसमें कहा है कि निबंधन पदाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील किया जाएगा। विलंब शुल्क का निर्धारण प्रतिष्ठान के मालिक, नियोक्ता या फिर व्यावसायिक के नाम पर उपयोगिता कनेक्शन की तिथि को पंजीकरण अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां रोजगार खत्म हो रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार जो है नए नए रोजगार को संचालित करने को लेकर उद्योगपतियों के बीच में, निवेशकों के बीच में एक जोश भरने का काम कर रहे हैं, जिससे उन्होंने कहा अगर आप नया निवेश कर रहे हैं तो उसमें जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर आप 2 महीने हो जाता है, यानी कि 60 दिन की अवधि के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। तो ऐसे में उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर है, निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, जो नया नया रोजगार करना चाहते हैं कोरोना काल के दौरान, अगर वो इस तरह के नए निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है यह अच्छी खबर है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।